sports from morning. And the interest you are taking about this, I think this India is Chak De India will happen this time, how Shah Rukh has done in Chak De India, and this ministry will definitely do great work. And मैं बताना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल एक ऐसी संस्था है जो हमारे देश हमारे जिले में जिसके अध्यक्ष प्रभाकर राव वैद्य जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है. पिछले 60 वर्षों से वो हमारे जिले में अलग अलग राज्यों से खेलने वाले खिलाड़ी हमारे यहाँ पर आते हैं जिनको नेशनली और इंटरनेशनली उनको स्ट्रांग बना के स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ाने का काम करते हैं. तो मुझे लगता है हमारी राज्य सरकार ने कुछ डिमांड हमारी केंद्र सरकार से की हुई है. जैसे रत्नागिर से सिंथेटिक ट्रैक की मांगनी की गई है, रिवोल्यूशन ऑफ साइकिलिंग ट्रैक की मांगनी की है. पूना से दुलिया से कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसलिंग सेंटर मांगा गया है. अमरावती से आर्चरी रेंज के लिए जो बनाया मांगा गया है उसको सिर्फ 6 करोड़ लगने हैं, उसके लिए आपको राज्य सरकार ने भेजी. अकोला से स्विमिंग पूल का बनवाई के लिए उन्होंने अपनी मांग की है. मल्टीपल हॉल के लिए सबम मुंबई से आपको निवेदन आया हुआ है, कमिटी ऑफ मुंबई स्विमिंग पूल की कंस्ट्रक्शन के लिए आया है. सिंथेटिक एथलीट ट्रैक के लिए मुंबई से आपको विनंती आई है, मुंबई से फिर मल्टीपल हॉल के लिए मल्टीपर्पज हॉल के लिए एक निवेदन आया है. रत्नागिरी से सिंथेटिक एथलीट ट्रैक के लिए आया है. मल्टीपर्पज इंदौर से आपके आपके लिए निवेदन आए हुए हैं. सिर्फ मैं आपसे इतनी विनंती करूंगी कि हर तालुका में जब कुश्ती खेलने के लिए बच्चे तैयार होंगे तो कुश्ती को लगने वाली सभी सामग्रियां वहां पर, जैसे कुश्ती बेड जो होते हैं, कुश्ती मैच जो होते हैं वो हर तालुके में बड़े तालुकों में उपलब्ध करने चाहिए, जहाँ के अध्यक्ष महोदय बच्चे वहां पर खेल के आगे बढ़े और हमारी जिले से बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनली नेशनली तैयार होके गए. क्योंकि हनुमान HVPM जो NGO चला रहे हैं हमारे दादा, वो इतने बच्चों को तैयार करें कि हमारे जिले में अगर स्पोर्ट्स के लिए आप और ध्यान देंगे तो मुझे लगता है. और लक्ष्मी जिन्होंने अभी बताया कि मणिपुर में एक यूनिवर्सिटी आई है, लक्ष्मी यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर और मणिपुर में, तो मैं आपसे विनंती करूंगी अध्यक्ष महोदय कि वो महाराष्ट्र में भी आए. धन्यवाद. स्पोर्ट्स फ्रॉम मॉर्निंग एंड द इंटरेस्ट यू आर टेकिंग अबाउट दिस, आई थिंक दिस इंडिया इज चक दे इंडिया विल हैपन दिस टाइम, हाउ शाह रुख हैज डन इन चक दे इंडिया, एंड दिस मिनिस्ट्री विल डेफिनेटली डू ग्रेट वर्क. एंड मैं बताना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल एक ऐसी संस्था है जो हमारे देश हमारे जिले में जिसके अध्यक्ष प्रभाकर राव वैद्य जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है. पिछले 60 वर्षों से वो हमारे जिले में अलग अलग राज्यों से खेलने वाले खिलाड़ी हमारे यहाँ पर आते हैं जिनको नेशनली और इंटरनेशनली उनको स्ट्रांग बना के स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ाने का काम करते हैं. तो मुझे लगता है हमारी राज्य सरकार ने कुछ डिमांड हमारी केंद्र सरकार से की हुई है. जैसे रत्नागिर से सिंथेटिक ट्रैक की मांगनी की गई है, रिवोल्यूशन ऑफ साइकिलिंग ट्रैक की मांगनी की है. पूना से दुलिया से कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसलिंग सेंटर मांगा गया है. अमरावती से आर्चरी रेंज के लिए जो बनाया मांगा गया है उसको सिर्फ 6 करोड़ लगने हैं, उसके लिए आपको राज्य सरकार ने भेजी. अकोला से स्विमिंग पूल का बनवाई के लिए उन्होंने अपनी मांग की है. मल्टीपल हॉल के लिए सबम मुंबई से आपको निवेदन आया हुआ है, कमिटी ऑफ मुंबई स्विमिंग पूल की कंस्ट्रक्शन के लिए आया है. सिंथेटिक एथलीट ट्रैक के लिए मुंबई से आपको विनंती आई है, मुंबई से फिर मल्टीपल हॉल के लिए मल्टीपर्पज हॉल के लिए एक निवेदन आया है. रत्नागिरी से सिंथेटिक एथलीट ट्रैक के लिए आया है. मल्टीपर्पज इंदौर से आपके आपके लिए निवेदन आए हुए हैं. सिर्फ मैं आपसे इतनी विनंती करूंगी कि हर तालुका में जब कुश्ती खेलने के लिए बच्चे तैयार होंगे तो कुश्ती को लगने वाली सभी सामग्रियां वहां पर, जैसे कुश्ती बेड जो होते हैं, कुश्ती मैच जो होते हैं वो हर तालुके में बड़े तालुकों में उपलब्ध करने चाहिए, जहाँ के अध्यक्ष महोदय बच्चे वहां पर खेल के आगे बढ़े और हमारी जिले से बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनली नेशनली तैयार होके गए. क्योंकि हनुमान HVPM जो NGO चला रहे हैं हमारे दादा, वो इतने बच्चों को तैयार करें कि हमारे जिले में अगर स्पोर्ट्स के लिए आप और ध्यान देंगे तो मुझे लगता है. और लक्ष्मी जिन्होंने अभी बताया कि मणिपुर में एक यूनिवर्सिटी आई है, लक्ष्मी यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर और मणिपुर में, तो मैं आपसे विनंती करूंगी अध्यक्ष महोदय कि वो महाराष्ट्र में भी आए. धन्यवाद. प्लीज वॉच तुलसी न्यूज. प्लीज सब्सक्राइब टू तुलसी न्यूज.